हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। इट्स मी डॉक्टर सिद्रा नूर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके साथ अपना फर्स्ट दराज शॉपिंग हॉल शेयर करने वाली हूँ। एंड ऑल्सो मैं आपको बताती चलूँ कि इस शॉपिंग हॉल में मोस्ट कॉमनली मैंने ब्यूटी प्रोडक्ट्स बाय की हैं, और मैंने वो सारी प्रोडक्ट्स बाय की हैं जिनकी रेटिंग्स बहुत अच्छी जा रही थी। एंड ऑल्सो इनके रिव्यूज़ पढ़ लेने के बाद मैंने इनको बाय किया है। एंड ऑल्सो गाइज, इन सब प्रोडक्ट्स के जो लिंक्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, और जो इनकी प्राइसेस हैं वो मैं साथ साथ ही स्क्रीन पे मेंशन करती जाऊंगी। इन सब का जो डिलीवरी टाइम था ना, वो इतना कमाल का था। लाइक आज मैंने ऑर्डर की हैं तो कल मुझे रिसीव हो गई हैं, एंड आई वॉज सरप्राइज कि इतना अच्छा डिलीवरी टाइम। बस दो या तीन प्रोडक्ट्स थी जिनका जो मुझे दो दिन बाद रिसीव हुई, एंड ऑलमोस्ट वन वीक हो चुका है मुझे ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स रिसीव हो चुकी हैं। एंड जो मेरा क्यूरियोसिटी का लेवल है वो यहाँ तक पहुँच चुका है कि आई डोंट नो व्हाट्स इनसाइड ऑल ऑफ दीज पार्सल्स, किस तरह की प्रोडक्ट्स आई हैं। तो चलें इनको ओपन करते हैं। बट उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन सो यू गाइस नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम माई चैनल। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो जी, सबसे पहले तो मैं ये वाला पार्सल ओपन करूँगी, क्योंकि इसके लिए तो मेरी क्यूरियोसिटी का लेवल बहुत हाई है, क्योंकि इसके अंदर मैंने ऑर्डर किए थे बैग्स। तो देखते हैं किस तरह के बैग्स आए हैं। दो बैग थे जो कि मैंने ऑर्डर किए थे, और लेट्स सी कि किस तरह के आए हैं। बिस्मिल्लाह। वाओ, इसकी प्राइस बहुत ही लिमिटेड थी, बहुत अफोर्डेबल प्राइस थी। प्राइस भी मैं आपको साथ ही मेंशन कर देती हूँ। इसको मैं ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। कितना है कुछ इस तरह का है ये इसके साथ ही वाला हैंडल है इस तरह का। वाओ, और इसकी स्ट्रिप भी आप देख लें, ये इस तरह से इसकी स्ट्रिप है। अगर आप इसको लंबा करना है, वाओ, बहुत कमाल की चीज़ है गाइस, यू मस्ट हैव टू बाय दिस। काफ़ी स्पेस है इसके अंदर, और इस तरह से आप इसको पकड़ सकते हैं। और ऑल्सो इसके साथ मुझे ये छोटा बैग भी मिला है। एज यू कैन सी, बहुत अफोर्डेबल प्राइस के अंदर इतना अच्छा मुझे बैग मिला है। एंड गाइस, ये है बैग जो कि मैंने ऑर्डर किया है। इसकी फुल लुक आपको मैं दिखा देती हूँ, और इसको ना, इसकी डिटेलिंग चेक करें आप, कितना मज़े का ये बना हुआ है। और इतनी अफोर्डेबल प्राइस के अंदर इतना अच्छा बैग मिल जाए तो और क्या चाहिए। और आप इसकी ये जो ऊपर से इसकी ये चेक करें, इसको क्या कहते हैं, जो भी है, ये भी बहुत अच्छी बनी हुई है पकड़ने के लिए। और इसकी स्ट्रिप भी बहुत कमाल की, और साथ इन्होंने ये रिबन दिया था इसको यहाँ से बांधने के लिए। अभी मैंने इसको अच्छे से नहीं बांधा, लेकिन आप देख सकते हैं। तो ये है जी मेरे बैग की फ़ाइनल लुक, और प्राइस भी इसकी बहुत अफोर्डेबल है। अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, प्राइस मैंने मेंशन कर दी है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अच्छा जी, सेकंड पे हमारे पास ये वाला पार्सल है। इसके अंदर देखते हैं इसके अंदर क्या है। लेट्स ओपन इट। दिस इज द पैकेजिंग, एज यू कैन सी। इसकी प्राइस अभी बहुत अफोर्डेबल है। वाओ, दिस इज़ अ पिंक सॉफ्ट मैट लिक्विड लिप ग्लॉस। उसका जो टेक्सचर है वो भी बहुत मज़े का। इसमें डिफरेंट कलर्स अवेलेबल थे इसके, डिफरेंट शेड से। ये ऑलरेडी मैं लगा के चेक किया था, और ये देखें, बहुत स्मूदी सा इसका टेक्सचर है, एज यू कैन सी। इन सब प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी इन नेक्स्ट वीडियो। अभी तो बस इन सब की ओपनिंग कर रही हूं मैं जी। नेक्स्ट हमारे पास ये प्रोडक्ट है, ओलिम नेचुरल्स का है ये विटामिन सी सीरम। प्रोडक्ट का नेम और इसका जो लिंक है वो मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो इसकी मुझे बहुत शदीद ज़रूरत थी विटामिन सी सीरम की, क्योंकि गर्मियों का सीज़न है तो विटामिन सी सीरम जो है वो लाजमी यूज़ करना चाहिए। तो लेट्स सी, इसका जो रिव्यू है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी आफ्टर यूजिंग इट। सो दिस इज़ द पैकेजिंग, दिस इज़ द प्रोडक्ट। सो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ये वाली। लेट्स सी कि इसके अंदर क्या है, क्योंकि दराज जो है पार्सल भेजे हुए पर मेंशन नहीं करता। अच्छा, इसके अंदर है जी कॉफ़ी स्क्रब, बॉडी एंड फेस स्क्रब है ये कॉफ़ी का। पैकेजिंग इन्होंने बहुत अच्छी की है।
ये है जी स्क्रब फॉर फेस एंड बॉडी। अच्छा, ये जो हमारा कॉफ़ी एंड वॉलनट स्क्रब है, इसका जो टेक्सचर है वो मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ किस तरह का है। ये बहुत स्मूदी सा इसका टेक्सचर है, एज यू कैन सी। इसकी खुशबू थोड़ी कॉफ़ी टाइप है, और जैसा कि नाम में ही इसके मेंशन है, और आई होप कि इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट है ये, लेट्स सी कि किस तरह की है। अच्छा, ये है जी कैरेटिन हेयर मास्क। इसके भी रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे और बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको रिकमेंड किया हुआ था। इसके प्रोडक्ट के रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे और इसलिए मैंने इसको बाय किया, एंड आफ्टर यूजिंग इट रिव्यूज़ हैं वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। कैरेटिन हेयर मास्क का जो टेक्स्चर है ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ खोल के, और इस तरह से ये ओपन होता है, और ये इस तरह से वाइट कलर में है, और बहुत ही स्मूथ सा इसका टेक्स्चर है एज यू कैन सी, और खुशबू भी इसकी बहुत प्यारी है, बहुत मज़े की खुशबू है इसकी। तो आई होप कि इसके भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। सो नेक्स्ट ये वाली प्रोडक्ट है जी, ये वाली जो प्रोडक्ट है ना, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हुई है, गर्ल्स बहुत ज़्यादा इसको बाय कर रहे हैं, और आपको पता चल चुका होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। दिस इज़ ग्लूपाटोन, इस पे बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, बट मैं फ़र्स्ट टाइम इसको यूज़ करूँगी, और इसको यूज़ कर लेने के बाद मैं आपके साथ ज़रूर इसके रिव्यूज़ शेयर करूँगी। अच्छा, ये जो है ये मैंने दो पैक्स मंगवाए थे, अगर आप चाहें तो आप सिंगल पैक भी मंगवा सकते हैं, बट मैंने इनके डबल पैक मंगवाया क्योंकि ये बहुत छोटी सी ट्यूब है, तो इसलिए मैंने दो पैक्स मंगवाए थे। अगर आपने सिंगल पैक मंगवाना है तो उसका भी लिंक मैं नीचे मेंशन कर देती हूँ, बट अगर आपने डबल पैक मंगवाना है तो उसका भी लिंक मैं मेंशन कर देती हूँ। तो गाइज, अभी जो प्रोडक्ट है वो ये है, इसको ओपन करते हैं, इसके अंदर क्या है जी। अच्छा, ये वाली प्रोडक्ट लाइक इस दराज पे इसके इतने ऑर्डर आते हैं ना, इस प्रोडक्ट के सबसे ज़्यादा मैं कहती हूँ कि इस प्रोडक्ट के बहुत ज़्यादा ऑर्डर है, और वो है जी हमारा मिनी स्ट्रेटनर। ये है जी हमारा मिनी स्ट्रेटनर, और इसको मैं यूज़ करूँगी, और यूज़ कर लेने के बाद आपको इसका रिव्यू दूंगी। बहुत प्यारा सा छोटा सा बना होगा ये, अगर आपके पास बड़ा स्ट्रेटनर नहीं है या अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो दिस इज़ बेस्ट फॉर यू। अच्छा, इसके भी रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे। अच्छा, अभी जो प्रोडक्ट है ये बहुत ज़्यादा सेल होने वाली प्रोडक्ट है, मोस्ट कॉमनली आजकल इस प्रोडक्ट को लोग बहुत ज़्यादा बाय कर रहे हैं, बेशुमार लोग बाय कर रहे हैं, और आपको पता चल चुका होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ मैकले लंदन की। ये मैकले लंदन का शैम्पू मैंने बाय किया था, मैंने ये वाला शैम्पू बाय किया है, अगर आप चाहें तो आप इसका बड़े वाला पैक भी मंगवा सकते हैं। अच्छा, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं इसको यूज़ करूँगी, इसको यूज़ कर लेने के बाद मैं आपको इसके रिव्यूज़ ज़रूर शेयर करूँगी, और इसकी प्राइस भी मैं मेंशन कर देती हूँ, और इसका लिंक भी मैं दे देती हूँ, यू गाइस कैन आल्सो बाय दिस वन। और रिव्यूज़ तो इसके बहुत अच्छे थे कि ये काफ़ी थिक और डेंस कर देता है, ऑल्सो जो बालों में खुश्की वगैरह होती है उसको भी ख़त्म कर देता है, तो इसको यूज़ कर लेने के बाद मैं आपके साथ इसका रिव्यूज़ शेयर करूँगी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट है, लेट्स सी कि इसके अंदर क्या है। वैसे दराज वालों को मेंशन करना चाहिए अपनी पैकेजिंग के ऊपर, लाइक इनका जो फ्लायर है उसके ऊपर इन्होंने मेंशन नहीं किया होता कि ये कौन सी प्रोडक्ट है, इसलिए मुझे ओपन करने से पहले पता नहीं है कि इसके अंदर से क्या निकलने वाला है। ओह, अच्छा, इसके अंदर से निकला है जी मिस रोज फाउंडेशन, और इसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी। अच्छा, इसका मैंने शेड ऑर्डर किया, मैंने फेयर शेड ऑर्डर किया था। अच्छा हाँ, एग्जैक्टली यही वाला शेड मैंने ऑर्डर किया था, फेयर शेड है ये। मैंने फेयर शेड इसलिए मंगवाया था क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इससे थोड़ा सा डार्क शेड है, मैंने सोचा था कि इन दोनों को मिक्स करके और एक अच्छी फाउंडेशन बन जाएगी, एक अच्छा कलर मेरी स्किन से बिल्कुल मैच होता हुआ कलर बन जाएगा, तो दिस इज़ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमारे पास ये वाली प्रोडक्ट है, लेट्स सी कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर से निकला है हमारा मिसरोज कंसीलर। अच्छा, इसकी भी मुझे ज़रूरत थी क्योंकि मेरी स्किन को मिसरोज की फाउंडेशन और कंसीलर बहुत सूट करता है, इसलिए मैंने ये मंगवाया था। तो आप भी देख सकते हैं एग्जैक्टली यही वाली शेड मैंने ऑर्डर की थी, ये भी फेयर शेड है जो कि मेरी स्किन से मैच करती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट है, ये है आई डोंट नो व्हाट्स इनसाइड इट। ओके, तो जी इसमें से हमारी ये वाली प्रोडक्ट निकली है, ये है नोज मास्क, ठीक है, नोज को क्लीन करने के लिए बहुत अच्छे हैं, और इनकी प्राइस इनकी बहुत कम है मैं मेंशन कर देती हूँ, एंड ऑल्सो जो इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे देती हूँ। सो जी नेक्स्ट हमारी ये वाली प्रोडक्ट है, लेट्स सी कि इसके अंदर क्या है। ओके, इसके अंदर है जी बी एल जी का फेस वॉश, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ऐड आ रहे हैं, और रिव्यूज भी बहुत अच्छे से आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि इसको भी ऑर्डर कर लूँ।
दिस इज़ द फेस वॉश और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं इसको भी ऑर्डर कर रही हूँ, तो इसको यूज़ कर लेने के बाद मैं आपको इसका भी बेनिफिट बताऊँगी। ये राइस फेस वॉश है, ब्राइटनिंग राइस फेस वॉश, ऑर्गेनिक सोर्सेज। सो दिस इज़ द प्रोडक्ट। सो गाइज, ये थी सारी आज की मेरी प्रोडक्ट जो कि मैंने दराज से ऑर्डर की। इनके जो प्राइसेज हैं वो मैंने आपको मैंशन कर दी, लेकिन अगेन मैं इनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंशन कर दूँगी एंड ऑल्सो इनके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप चाहें तो आप इनको बाय कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइज, मैं आपको बताती चलूँ कि ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स जो कि मैंने बाय की थी, इनको मैं स्टार्टिंग में भी आपको बता चुकी हूँ। इनका डिलीवरी टाइम जो है वो बहुत कमाल का है। डिलीवरी में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, आपको बहुत फास्ट डिलीवरी इनमें मिलेगी। एंड ऑल्सो आप मुझे बताएं कि मेरा दराज शॉपिंग हॉल फर्स्ट कैसा था। मुझे तो बहुत मज़ा आया क्योंकि मुझे इन प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी। आगे आई डोंट नो व्हाट विल बी इनसाइड पार्सल्स, क्योंकि मैंने इनको नहीं देखा था। जैसे जैसे आपने देखा वैसे वैसे मैंने देखा। तो आई होप कि आपको सारी प्रोडक्ट्स अच्छी लगी होंगी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी हैं। एंड ऑल्सो गाइज, मैं आपको बताती हूँ इनके जो रिव्यूज़ हैं वो हो सकता है कि मैं इंस्टाग्राम स्टोरी पे मेंशन कर दूँ। सो अगर आप चाहें तो आप इंस्टाग्राम पे भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे मैं इनके रिव्यूज़ आपके साथ शेयर कर दूँगी, इनके लिंक्स मैं वहाँ पे भी दे दूँ। सो आई होप कि आपको ये शॉपिंग हॉल पसंद आया होगा। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट नेक्स्ट चाहते हैं कि मैं वो वाली दराज से बाय करूँ तो आप मुझे मेंशन कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। सो जी, दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।